थे, मेरे दादा जो है वो बावले हकीम के नाम से जाने जाते थे। ये अच्छा, बावला इसलिए कहते थे बिकॉज ही हैड लॉस्ट इट। और जी, ये बात हो अच्छा रही है तो मैं एक बात ऑन द रिकॉर्ड है, रेडियो पे है तो जी, चली जाएगी। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जो हैं, उनको उनको जंजीरों में बांधते थे सहारनपुर इंडिया में, एंड दिस इज गोइंग बैक इन द 1920s 30s 40s। जंजीरों में अच्छा बांध देते थे क्योंकि हाल तारी हो जाता था, दाढ़ी बढ़ गई थी और क्या कहते हैं उसे, बाल लंबे हो गए थे, वो अपने आप को खुद ही जंजीरों में जकड़ लिया करते थे तालों में। और जब कैफियत तारी होती थी उनके ऊपर तो वो जर्ब लगाने लगते थे इल्लल्लाह की, जिसको जिक्र भी कहा जाता है, और वो जर्ब इतनी जोरदार होती थी, कहते थे कि जंजीर की कड़ी है ना वो अपनी जगह छोड़ देती थी, टूट जाती थी जंजीर। और फिर जो है एक और उनके बारे में जब बात हो ही रही है तो बता दो कि अपने आप को दरख्त पे रख के लोगों से कोड़े लगवाते थे अपने आप को, यानी कि दीवानगी की वो हालत हो गई थी। यानी कि लोग कहते हैं कि जी आप समझते हैं इस रास्ते को, मैं एक बात करता हूँ, मेरे अब्बा भी कहते थे कि हमने इस रास्ते पे सब कुछ करके देख लिया है। यानी कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप एक घर में से कोई मेंबर जो है वो इस रास्ते में पागल हो जाए। हमने देखा है, हमने तो वाले साहब से सुना, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो बयान होता था जब मेरे वाले साहब बयान करते थे उनका आंख में देखें, आंसू आ जाते थे। ये भी एक बिलीव है ना, ये बिलीफ और सिस्टम है। आपके अभाव